नमस्कार, मैं प्रीति और आप देख रहे हैं वी एक्सपर्ट न्यूज। आई नजर डालते हैं खबरों पर। महिला सिविल जज ने सरकारी आवास में लगाई फांसी, दरवाजा तोड़कर शव को निकाला गया बाहर, मऊ जिले की निवासी बताई जा रही हैं। यूपी की बदायूं जिले से बड़ी खबर सामने आ रही है। यहां बदायूं शहर में शनिवार की सुबह सिविल जज जूनियर डिवीजन का शव सरकारी आवास में फंदे से लटकते हुए मिला। पुलिस प्रशासन में सनसनी मच गई। सूचना मिलते ही जिला जज पंकज अग्रवाल, डीएम मनोज कुमार, एसएसपी आलोक प्रियदर्शी समेत न्यायिक अधिकारी मौके पर पहुंचे। पुलिस टीम ने आवास के कमरे का दरवाजा तोड़कर शव को फंदे से उतारा। फॉरेंसिक टीम ने घटनास्थल का जायजा लेकर सबूत संकलित किए हैं। घटना से न्यायिक अधिकारी से लेकर हर कोई सकते में है। खुदकुशी के पीछे क्या कारण रहा, इसकी जांच पुलिस की तफ्तीश के बाद ही साफ होगी। देखिए, आज प्रातः पुलिस को सूचना मिली 9:30 बजे के आसपास की थाना कोतवाली क्षेत्र में जो जुडिशियल कंपाउंड है वहां पे एक महिला जज है जिनका दरवाजा वो नहीं खोल रही है और वो वक्त से पहुंची भी नहीं थी अपने कोर्ट में। तो उनके जो साथी अधिकारी लोग हैं उन्होंने उनको फोन भी किया और जब उनके द्वारा फ़ोन नहीं उठाया गया तो उन्होंने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने मौके पर पहुंच करके फर्स्ट फ्लोर पर उनका घर था, उसका दरवाज़ा अंदर से बंद था, उसको फोर्स ओपन किया। अंदर जाकर के उन्होंने देखा तो बेडरूम के साथ जो बगल वाला कमरा था उसमें पंखे के साथ उनकी लटकी हुई हैंड बॉडी वहाँ दिखाई पड़ी। शव को कब्जे में लेकर के पुलिस ने अपनी कार्रवाई शुरू की है। वहाँ उनके जो डॉक्यूमेंट्स मिले थे उनमें से भी कुछ चीज़ें प्राप्त हुई हैं जो घटनाक्रम में प्रकाश डालती हैं। समस्त तथ्यों की जांच की जा रही है और इसमें जो भी अगले तथ्य आएंगे उसके पुलिस अपनी कार्रवाई करेगी। ऐसे ही खबरों को देखने के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे वी एक्सपर्ट न्यूज। वीडियो अगर पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें।